नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना एक जो मॉक टेस्ट है वो करते हैं, किसके लिए? हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी SI की जो आगामी परीक्षा होगी उसके लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो ये टेस्ट कर रहे हैं उसमें लगभग 50 क्वेश्चन है वो डेली हम सोल्व करते हैं। और बहुत खुशी बात है कि आप लोग जो रिप्लाई देते हो बाद में, टेस्ट करने के बाद में अपने नंबर बताते हो, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस मॉक टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में इसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में इसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? ये अर्ग नहीं है, अगर गणराज्य था। तो आपके सामने आपके चार ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है और आपको लगभग 7 से लेकर 10 सेकंड का टाइम है वो दिया जा रहा है आपको। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बरवाड़ा व अग्रवा, यानी उपरोक्त दोनों आंसर है वो ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल सही है कि बरवाड़ा व अग्रवा से क्या है प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में इसार क्षेत्र में क्या है अगर गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 ईस्वी में मणधार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? आपको बताना है कि 1530 ईस्वी में मणधार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? आपके ऑप्शन है आपके सामने विराजमान है, आपको किसी एक का चयन करना है और आपका टाइम है वो शुरू हो चुका है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अली कुली हमदान, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अली कुली हमदान ने क्या है कि 1530 ईस्वी में मणधार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने पराजित किया था, किसको? अली कुली हमदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य में किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने और आपके चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, यानी जो प्राचीन काल में हरियाणा को क्या है, ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मा के उत्तरवेदी नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? आपके सामने आपके चार ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ, थोड़े ओल्ड जरूर है लेकिन जो बार बार के SSSC की परीक्षाओं पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए मेवात, यानी अरावली की पहाड़ी है वो हरियाणा के मेवात के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपके चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। हल्के हल्के मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मॉक टेस्ट को सोल्व करते रहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण से, यानी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा है वो वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम है। और मैंने आपको लास्ट मॉक टेस्ट में बताया था कि जो हरियाणा में क्या है जितने भी योजनाएं कार्यक्रम वो उससे क्या है एक नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है SSSC की परीक्षाओं में, तो इनको क्या अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है?
निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहारू उत्थान योजना को क्या है इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, लोहारू उत्थान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है? तो आपको इसमें राइट आंसर का राइट ऑप्शन का क्या चयन करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपके सामने आपके चार ऑप्शन विराजमान है, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसार में है, लुवास के नाम से भी जानते हैं इसको, लाला लाज राय लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का नाम है, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का क्या नाम है? आपको बताना, ये आपके सामने आपके ऑप्शन है वो विराजमान है। और आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी क्या है, अरावली सुपर तापीय परियोजना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई, आपको बताना है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर में स्थित है, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना है वो हरियाणा के यमुनानगर में की गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति करता है? हरियाणा में कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के जो बक्से हैं उनकी 60% की आपूर्ति करता है? आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर, यानी यमुनानगर है वो भारतीय सेना हेतु के गोला बारूद रखने के लिए जो बक्से है वो निर्मित करता है, 60% तक की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा के किस राज्य का उल्लेख ही भारत के द्रोण पर्व से मिलता है, यानी महाभारत के द्रोण पर्व से मिलता है, सॉरी, निम्न में से हरियाणा के किस राज्य का उल्लेख है वो महाभारत के द्रोण पर्व से मिलता है? तो आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, योद्धे गणराज्य, योद्धे गणराज्य के हरियाणा राज्य का क्या उल्लेख करता है महाभारत के किसमें, द्रोण पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? आपके सामने आपके ऑप्शन वो आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करना है। और आई होप आई अप जो आपका राइट आंसर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका सही जवाब है, अर्जुनायन गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान है वो शुरू किया था। आपको बताना है, आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर भी बहुत अच्छा देना है और इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास ने क्या है हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित है? यानी हरियाणा में जो हरियाणा के कौन सा जिला है जिसके निकट मोरनी की पहाड़ियां स्थित है? मोरनी की पहाड़ियां स्थित है। तो आपके चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पंचकूला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीला निम्नलिखित में से क्या है? डीला निम्नलिखित में से क्या है? डीला एक चीज का नाम है, वो आपको बताना है कि क्या है। क्या एक पक्षी है, क्या एक वृक्ष है, क्या एक घास है, क्या एक पार्क है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक घास का नाम है डीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र है? हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र है। आपको वो क्षेत्र बताने हैं कि कौन से हैं। आपके सामने क्षेत्र दिए हुए हैं और आपको किसी एक ऑप्शन को चयन करते हुए उसका आंसर देना है। और एक बात और बता दूं, इस मॉक टेस्ट की लास्ट में आपको क्या एक बहुत ही अच्छा है करंट जीके का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और वो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना होगा। तो उसका भी वेट करते रहिएगा कि मैं आपको क्या सवाल दूंगा आज और उसका आपको आंसर देना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक, गुड़गांव और करनाल में क्या है पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र है या फिर सिंचाई की जाती है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य में मत्स्य महाविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? यानी हरियाणा राज्य में जो मत्स्य महाविद्यालय है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिसार में। राज्य में क्या है, हरियाणा राज्य में मत्स्य महाविद्यालय वो कहां पर प्रस्तावित है? हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलखा में बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? पानीपत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय नौलखा में प्रथम जिला ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है या फिर सोलर पावर स्टेशन बनाया जा रहा है या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करना है। आपके सामने चार ऑप्शन आप आ चुके हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। पानीपत जिले के नवोदय महाविद्यालय नौलखा में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? आपको बताना है हरियाणा में किस स्थान में मारुति कार का कारखाना स्थित है। तो आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव में क्या है मारुति का कारखाना है, यानी मारुति कार का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दारूहेड़ा तथा बावल औद्योगिक स्थल स्थित है? दारूहेड़ा तथा बावल औद्योगिक स्थल स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है।
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवाड़ी में स्थित है। औद्योगिक स्थल है वो कहाँ स्थित है, ये दारूहेड़ा और बावल, ये रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के हिसार जिले के अग्रवा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रवा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से किस गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी करवाया था और ये फिर भी रिपीट हुआ है नए तरीके से। तो बताइए आपको कौन से गणराज्य का क्या है ये जानकारी मिलती है हिसार जिले से, हिसार जिले के अग्रवा बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर गणराज्य की क्या जानकारी मिलती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था, यानी आपको बताना है कि कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबाला में स्थित था कुनिंद गणराज्य, वो वर्तमान में क्या है हरियाणा का अंबाला जिले में स्थापित था या फिर विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपको क्या सामान्य ज्ञान के आधार पर भी आधारित होना चाहिए, बहुत हलवा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और इस युद्ध से यानी महाभारत के युद्ध से क्या एक क्वेश्चन है वो जरूर आता है, या तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश है वो कहाँ दिया। तो एक कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान है वो क्या कहलाता है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। हरियाणा का बहुत ही एक प्रसिद्ध अभियान है कलेसर अभियान है, वो उसको किस वर्ष है वो राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नहर किस के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है, भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है, भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आई होप आपने अपना राइट आंसर नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोआणा के पास से क्या है हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचकूला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है वो क्या है, आपको बताना है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना है, ये स्कीम है लैंप सेविंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी आपको बताना है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 647 ईस्वी में क्या है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र है, साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही क्या है माइंड में सेट होने चाहिए कि कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, जींद में क्या है, साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचित्र आकार की ईंट किस सेंदव स्थल से प्राप्त हुई, विचित्र आकार की ईंट वो किस सेंदव स्थल से प्राप्त हुई थी, आपके चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर से क्या है विचित्र आकार की ईंट है वो कैप प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस राज्य की राजधानी थी, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस राज्य की राजधानी थी। थानेसर से क्या आपका एक क्वेश्चन हो मोस्टली क्या है पूछा जाता है एग्जाम में, थानेसर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको क्या है एक बार जरूर देखें और उसको चेक करें रोजाना कि कौन कौन से वो जो क्वेश्चन बनते हैं थानेसर से जरूर याद करें। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन की क्या है राजधानी था थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई, युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई, आपको राइट आंसर अब बताना है कि किस नाम की संज्ञा दी गई थी। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं और आपका राइट आंसर भी आ चुका है, बहुधान्य प्रदेश की क्या है संज्ञा दी गई थी युद्ध काल में हरियाणा को, बहुधान्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तरंगित बालू मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन आ चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तरंगित बालू मैदान। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव में क्या तरंगित बालू मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में असाडी की फसल कहा जाता है, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में असाडी की फसल कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे और आपको ये क्वेश्चन है वो आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आपके ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं और आपको बताना भी है कि कौन सी फसल को असाडी की नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रबी की फसल को असाडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा बोगे वाला, खरड़ वाला, खुर्द कला, फूलिया कला आदि गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा बीघे वाला, खरड़ वाला, खुर्द कला और फूलिया कला में क्या है आदि गांवों को सिंचाई की सुविधा प्रदान प्राप्त होती है, आपको बताना है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं और आपका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरवाना सिंचाई परियोजना से क्या इन गांव में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संस्थान की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला है, खनिज संस्थान की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं और आपका ऑप्शन भी आपका आंसर है इनको देखते आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जिला बताना आपको कौन सा हरियाणा में खनिज दृष्टि की खनिज संसाधन की दृष्टि से और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानेसर में क्या है केंद्र सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योग है वो के लिए क्या है केंद्र संस्थान वो स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पानीपत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पानीपत में स्थित नहीं है? आपके सामने आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा टिम्बर मार्केट, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ जाता है सुमेलित से संबंधित, तो आपको बताना कि कौन सा वो सुमेलित नहीं है। और इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सिलाई मशीन उद्योग जींद, आपका क्या ये बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ये, यानी आपका ये सुमेलित नहीं है, मतलब इसलिए ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंधव स्थल भगवान भगवानापुर हरियाणा के किस जिले में है? सेंधव स्थल भगवानापुर है हरियाणा के किस जिले में है? आपके सामने चार जिले दिए हुए हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ब्रह्म, यानी ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र। सेंधव स्थल है वो भगवानपुर हरियाणा, भगवानापुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म शिव क्या है हरियाणा का नाम नहीं है। ब्रह्म ऋषि भी है, ब्रह्म वर्ष ब्रह्मावर्त भी है, और ब्रह्मा की उत्तर वेदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के दूसरे 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधि किसने किया? कांग्रेस के दूसरे 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व वो किसने किया था? आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है और आपको बिल्कुल राइट जवाब देना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर ने के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। अरावली का पथरी वाला प्रदेश कहाँ नहीं है? अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ नहीं है? यानी आपसे पूछा गया कि अरावली का पथरीला वो प्रदेश है वो कहाँ, कौन सी जगह नहीं है? इनमें आपको चार वो जगह दी गई है, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी पंचकुला में नहीं है, अरावली का पथरीला प्रदेश है वो पंचकुला में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? आपके सामने तीन फसल है वो दी हुई है, आपको किसी एक का चयन करते हुए बताना है कि कौन सी फसल को है वो सावनी की फसल कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खरीफ की फसल को क्या है सावणी की फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादोपुर साहेबाद वाल्वी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी? दादोपुर साहेबाद वाल्वी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी? आपको बताना है, आपके सामने चार जिले दिए हुए हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। आई होप आपने अपना आंसर राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पंचकुला जिले को क्या है इसकी सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी, दादोपुर साहेबाद वाल्वी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के पंचकुले जिला को क्या है कि इसकी सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्ट नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? एस्बेस्ट नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? आपको बताना है एस्बेस्ट नामक खनिज है वो राज्य के किस जिले में पाया जाता है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगढ़ में क्या है, महेंद्रगढ़
जिले में पाया जाता है एस्बेस्ट नामक खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चयन करना है और आपको बताना है कि कहाँ पर क्या है फूड पार्क को स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो होगा, ये सभी है, डबवाली में भी, शाम में भी और नरवाना में क्या फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड की प्रथम विनी निर्माण इकाई की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बताना है कि मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड की प्रथम विनी की निर्माण की इकाई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपके सामने आपके चार ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1970 में क्या है मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड की प्रथम विनी निर्माण इकाई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका सही सही जवाब देना है। उदारीकरण के पश्चात जारी की गई गई औद्योगिक नीतियों में कौन सी एक सही नहीं है? आपको बताना है कि उदारीकरण के पश्चात जारी की गई औद्योगिक नीतियों में से कौन सी एक सही नहीं है, आपको बताना है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन है, राज्य औद्योगिक नीति 1992, या फिर राज्य औद्योगिक नीति 1997, या फिर राज्य औद्योगिक नीति 1999, या फिर राज्य औद्योगिक नीति 1995। तो इसमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही जवाब है 1995, ये सही नहीं है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के 50 क्वेश्चन, जो कि आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वह पटवारी की हो, चाहे वह हरियाणा पुलिस की हो, चाहे हरियाणा एसआई की हो, चाहे हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक की हो, या फिर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा कोऑपरेटिव एसआई की हो, तो इन सभी में क्या ये 50 क्वेश्चन है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आप रोजाना एक मॉक टेस्ट की क्लास ज्वाइन कर रखी है आपने, अगर आपके अन्य दोस्त भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी क्या है भाई रोजाना क्या लिंक सेंड किया करो और उनको बताया करो कि रोजाना हम क्या एक मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करते हैं। और धीरे धीरे क्या है, मैं आपको इसकी लगभग 30 से लेकर 35 क्लास वो आपको हरियाणा जीके ही करवाऊंगा, जिसमें से लगभग हम 1150 से लेकर 1250 तक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाऊंगा। और इसके बाद क्या है, हम इसके फुल लेंथ टेस्ट है वो शुरू करेंगे, यानी कि जिसमें सारे फॉर्सन होंगे, यानी मैं पूरा का पूरा 90 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवाया करूँगा। तो क्या धीरे धीरे आप क्लास है वो ज्वाइन करवाओ अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि वो भी क्या इस चीज़ का फायदा उठा सके। तो आज का करंट का जी क्या क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको क्या है नीचे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जवाब क्या होगा, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण जवाब है। तो अभी क्या है, हरियाणा में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो वो कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे? तो आपको इसका क्या सही जवाब वो नीचे देना है। आपको बताना है कि अभी हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए और इसमें कुल कितनी सीटें थी, यानी कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे। तो आपको ये इसका आंसर आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है। आई होप आप इसका आंसर है ज़रूर दोगे, अगर आप आंसर देते हो तो हमें क्या इस चीज़ की खुशी होती है कि हाँ आप है वो क्या है तैयारी कर रहे हो अच्छी। और कई स्टूडेंट हैं जो इन्होंने हिम्मत थोड़ी उनका क्या हौसला डाउन चल रहा है, जैसे कि आरती कुमारी जी ने क्या मैसेज किया था कल कि सर हम तैयारी कर रहे हैं उस लेवल की, क्या है हम तैयारी कुछ करते हैं और एग्जाम में कुछ आता है। तो ये सब कुछ हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, आप अपनी तैयारी को क्या है जारी रखिएगा, जितना उसके एफर्ट होता है आपका अच्छे से अच्छा एफर्ट दीजिए। आपके 2 से लेकर 3 महीने के अपने आपको किसी भी एग्जाम के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारने। अगर आप ऐसे हिम्मत हार गए अभी तो आगे कुछ नहीं होने वाला, आपको क्या हिम्मत रखनी होगी कि हाँ मेरे को सिलेक्शन लेना है और पक्का लेना है।
अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या एकजुट होकर तैयारी कीजिएगा, अपना माइंड का कंसंट्रेशन है वो कीजिए स्टडी पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ाई कीजिए। 1.5 या 2 महीने के लिए क्या आपको सब कुछ त्यागना होगा अगर आप रियली में नौकरी पाना चाहते हैं तो इसलिए क्या आपको मैंने आपको कल भी बताया था, कमेंट बॉक्स में भी आपने पूछा था कि सर ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, तो मैं आपको फिर बता दूं, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपको क्या है कि बाजार में जाकर या फिर कोई बुक डिपो में जाकर आपको क्या है, हरियाणा SI या फिर हरियाणा पुलिस का जो एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट की बुक आती है, जिसमें से लगभग 10 से 15 मॉक टेस्ट होते हैं पूरे के पूरे, जिसमें 90 नंबर के क्वेश्चन, 90 नंबर के जो पूरे मॉक टेस्ट होते हैं फुल लेंथ के, वो आपको क्या रोजाना एक सोल्व करना है, अभी से आज से शुरू कर दो उसको, और फिर अपना क्या हिसाब किताब लगाओ कि आपका जो वीक पॉइंट कहाँ है, यानी आपके सबसे कम नंबर किस फील्ड में आ रहे हैं, कौन से इसमें आ रहे हैं, कि हरियाणा GK में आ रहे हैं या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर कंप्यूटर में या फिर साइंस GK में, जहाँ पे भी आपके कम नंबर आ रहे हैं मैथ रीजनिंग में, तो आप क्या उसको अपने कमांड बनाओ, अच्छी कमांड तैयार करो और अच्छी रणनीति के अनुसार क्या पढ़ाई करो, तो आपका सिलेक्शन है वो क्या पक्का होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से, लगभग दिन में मैं आपको बताता हूँ 7 से 8 घंटे के आपको डेली क्या सेटिंग अरेंजमेंट बिठाना होगा कि हाँ भाई मेरे को 8 से 8.5 घंटे के रोजाना मेरे को पढ़ना है, तो आप क्या उसकी आदत डालो और आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन वो करवाए हैं, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपको इसमें क्या प्रैक्टिस ला सेट लाए मज़ा भी आया होगा। तो बार बार के अपने रिप्लाई या फिर अपने जो आंसर है, जो जितने भी आपको डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, जितने भी आपके नंबर आते हैं वो भी हमें बताओ कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ताकि हम जैसे हमारे 30-35 प्रैक्टिस सेट पूरे हों तब तक हम देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। तो बस मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के 50 क्वेश्चन मैंने आप करवा दिए, अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पे भी हो, ट्विटर जहाँ पे भी हो, आप क्या इसको शेयर करो, और जो भी आपके भाई बंधु या फिर फ्रेंड्स से तैयारी करें उनको क्या है इसकी उन तक पहुँचाओ, ताकि वो भी क्या है इस सेट का फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।